नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पत्ता गोभी के साथ अंडा। तो चलिए देखते हैं कि मैं पत्ता गोभी के साथ अंडा किस तरीके से बनाती हूँ। पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर लिया है, एक मैंने सूखी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर जीरा ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दो लहसुन की कलियाँ को क्रश करके इसमें ऐड किया है और दो छोटे प्याज मैंने यहाँ पर चॉप्ड किए हुए हैं। उसके बाद हमें इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर पत्ते गोभी को पहले से कट करके मैंने उसको गर्म पानी में जस्ट 2 मिनट के लिए उबाल लिया है। अच्छे से अच्छे से उबालने के बाद, बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है हमको, बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा उबाल के 2 मिनट के लिए मैंने इसे इस तरीके से पानी पूरा जो है झड़ा झड़ा के इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करके ये मुझे 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में देके पकाना होगा। पकाने के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी एक एक करके। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरा पाउडर दिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया, स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पर नमक दिया है और यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून यहाँ पर आप चीनी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। चीनी इसमें इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि पत्ता गोभी का एक अलग सा एक स्वाद होता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इससे जब हम थोड़ा सा चीनी इसमें देते हैं तो इसका जो स्वाद है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इसके बाद हम इन मसालों के साथ बहुत अच्छी तरीके से भूनना है हमें। देखिए, भूनते भूनते इस तरीके से ये हो जाएगा, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया है और ये पत्ता गोभी जो है बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब देखिए, मैं इन पत्ता गोभी को बीच से हटा रही हूँ क्योंकि अब मैं इसमें अंडे जो है 2 अंडे मैं इसमें दूंगी। देखिए, बहुत ज़्यादा हमको चलाना नहीं है, जस्ट इसको थोड़ा सा मिक्स करके हम थोड़ा सा रख देंगे, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, जो ये ऑमलेट जो है वो थोड़ा सा जैसे ही थोड़ा सा हार्ड होगा अब हम पत्ता गोभी के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से मिक्स कीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आपको मिक्स करते रहना है और अभी इस वक्त जो फ्लेम है बिल्कुल लो में रखना होगा, नहीं तो ये जल जाएगा और ज़्यादा पक जाएगा। इसलिए हमें इस तरीके से ही चलाते रहना है जिससे कि अंडे के साथ ये पत्ता गोभी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, इस तरीके से पत्ता गोभी को मैंने, देखिए इसका लुक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी हो गया है खाने के लिए। आज का वीडियो बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते।